अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम माइनक्राफ्ट में फिर से कुछ मिथ्स ट्राई करने लगे, जैसे कि हम इस तरह का बैनर किस तरह बना सकते हैं और हम क्या एक बोतल ऑफ पोशन से तीन बोतल ऑफ पोशन बना सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह के आज हम कुछ मिथ्स ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो सच है या झूठा। तो भी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले ना वही वाला मिथ ट्राई कर लेते हैं कि हाँ वो जो मैंने दिखाया था ना पहले बैनर वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ना हमें ये इस तरह हमें ना कुछ मतलब डिजाइन लगाने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक डाई से राइट साइड वाला, फिर लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड वाला, फिर राइट साइड वाला, फिर ऊपर साइड वाला, फिर नीचे साइड वाला, फिर इस तरह वाइट वाइट बच जाएगा, ठीक है। इसमें आप सर्कल वाला डिज़ाइन लगा देना है, ठीक है। फिर ये इस तरह कुछ बन जाएगा, उसमें ना अभी जो नीचे से ट्रायंगल होता है ना ये वाला डिज़ाइन बना देना और बस रेडी है भाई। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका जादू, ये देखो भाई, और देखो भाई कितना कूल लग रहा है। और हाँ इससे याद आया मैं एक और तरह का भी बैनर बना सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। इस तरह मैं कुछ इफेक्ट्स लगा लेता हूँ। अबे ये क्या बन गया बे। ओके तो अभी यहाँ पे ना हमें सबसे पहले वाइट बैनर लगा के ना ग्रे डाई और उसके बाद ये वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें ना वाइट डाई और वही वाला ये वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक है, वही वाला बैनर रख के। उसके बाद हमें ना ग्रे डाई और फिर ये वाला पैटर्न लगा के क्रीपर वाला इफेक्ट लगा देना। उसके बाद हमारा रेडी है दूसरा बैनर, ठीक है। ओके तो ये सबसे पहले हम फ्लावर्स हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला फेस तो मतलब फेस का बैनर देखा होगा ना माइनक्राफ्ट के या क्रीपर के फेस से, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाला है ना, लेकिन मैंने जो बनाया वो है ये वाला। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ये देखो इमोशनल क्रीपर, ठीक है। ये वाला मैंने वैसे भी अपनी एक वीडियो में पहले बनाया हुआ था, ठीक है। ओके तो अगला मिथ ये है कि हम ना एक पोशन ऑफ बोतल से बोतल ऑफ पोशन से हम बना सकते हैं तीन पोशन ऑफ बोतल। उसके लिए सबसे पहले ये हम एरिया थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना, फिर ताकि हम ना मतलब हमें ना कोल्ड ड्रिंक उसके लिए प्लेस करने होंगे, ठीक है। ओके तो अभी हम यहाँ पे ना बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा प्लेस करेंगे उतनी जल्दी होगा। ओके तो अभी हम यहाँ पे ना रैंडमली कुछ इफेक्ट्स रख लेते हैं, ठीक है, इसमें डाल देते हैं ना। ओके तो मैंने इस तरह डाल लिया, अब इसका ना बाकी मैकेनिज्म जो भी है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने इस तरह बना लिया, ठीक है। तो अभी बस हमें ना इंतज़ार करना है, ये काम इस तरह करता है जैसे ड्रिप्स ऑन वाटर देता है ना उसी तरह पोशन भी दे सकता है। ओके तो अगला मिथ ये है कि ना ये जो नेदर पोर्टल होता है ना हम अगर उसमें जाएं क्राउच करके शील्ड क्राउच करके, तो शील्ड वो होती है ना इस तरह मतलब डिफेंस के लिए, तो वो हम ना अगर क्राउच करके नेदर में जाएँ तो फिर ना वो क्राउच ही रहेगी, ठीक है। तो अभी ये चेक करते हैं, देखते हैं भाई। ओके तो ये अभी क्राउच तो है, अभी हम ये हटाते हैं क्राउच वाला। ओके तो ये वर्क नहीं कर रहा, इसके हिसाब से ना क्राउच ही रहनी चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब हटा भी देगा अगर क्राउच से हम हट भी जाए। ओके तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये अबे अबे पौने विलेज में कहाँ से आ गया। ओए यार वहाँ पे ड्रिप स्टोन बनाए हुए उसमें इतना टाइम लगता है। ओके तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, इसको तो हटाओ भाई, वो सारा ड्रिप स्टोन का दोबारा बनाना पड़ता है, इतना टाइम लगा था उसको बनाने में ड्रिप स्टोन वाले को। अगर ये विलेज ना मिलता, एक तो इसके कोऑर्डिनेट्स में मुझे नहीं याद थे, मैंने भाई मुश्किल से ये ढूंढा है भाई। इसको हटाओ, मुझे वो लिंक करना भी नहीं आता ना पोर्टल की, तो इसलिए मैं मतलब समझ नहीं आती ना कि लिंक कैसे हो जाता है आपस में। ओके तो अगला मैं जी है कि एक विच ना दो वार्डन से फाइट करे तो विच जीतेगी, ठीक है। लेकिन उसको हमें ना इस तरह एक कवर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इस तरह ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी वार्डन इसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब कर चुके हैं शायद से। तो अभी हमें ना इंतज़ार करना है, मतलब ये भाई लंबी फाइट चलती है ना इनकी, तो मतलब ये लंबी फाइट। और यार दोबारा से ऐसा करते ग्लास को रिप्लेस कर देते हैं। ओके तो हमने ग्लास को रिप्लेस कर दिया है। तो अभी ये देखो भाई पोशन ऑफ हीलिंग पी लेती है बार बार विच, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है ना कि बहुत टाइम लगेगा भाई, तो मुझे ना एफ के बैठना पड़ेगा, मतलब एफ के का मीनिंग ही नहीं पता मुझे बाय द वे फुल फॉर्म जो अगर होती हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले अबे यार मैं भी पागल हूँ यार, ब्लॉक हटा दिया वो ऑर्डर ना और विच पा जाए। ओके तो मैंने अभी इस तरह बना लिया, ठीक है। तो अभी शायद मतलब विच भी अटैक कर पाए, तो अभी यहाँ पे हम इस तरह देखते हैं। ओके तो यार कोई भी ट्राई मारते हैं, मुझे लगता है मैंने सही नहीं किया। ओके तो ये अब चलो भाई ये इस तरह मैंने अब सही से बना लिया, ठीक है। तो मैं भी ओके तो अभी मैंने इस तरह भाई ये फाइनल है बस, अब देखते हैं भाई क्या। थक गया भाई पिछले मिथ से। तो अभी हमने अगला मिथ ये है कि हम ना सबसे पहले यहाँ पे एक बीकन बना लेते हैं, ठीक है। मिथ अभी देखना भाई, ओके तो मिथ ये है कि अभी हमने ये बीकन लाइट अप कर लिया, ठीक है। तो अभी हम ना यहाँ पे ना नॉर्मल एक ब्लॉक रखते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं क्राउच, उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं एक
ब्लॉक। तो अभी देखो ये हम कोई ब्लॉक रखते हैं तो इसकी जो बीम निकलती है ना ये बंद हो जाती है ना। लेकिन ये जो माइनक्राफ्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक है ना, इसकी बीम ही नहीं, इससे बीम ही नहीं बंद होती बीकन की। ये क्या है भाई? वाओ, इसको मैं ना लॉजिक वाली वीडियो में डालूंगा, देखना लॉजिक वाली वीडियो में डालूंगा इस वाले मिथ को, ठीक है? ओके तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।